ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी की कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यतः प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मिक की मीक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी की कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टैबी एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात्तर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतज़ार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी, भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मिक की मीक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात्तर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातः प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टैबी एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मिक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात् प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग ओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो ट्रेविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है ट्रेविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह ट्रेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी, भी पैसे बकाया टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मिक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा थी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेर के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी, भी पैसे बकाया टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मिक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा थी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टैविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात्तर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में से एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अततः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पाकर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अथातर प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वापस लौटती टैविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगास छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पार कर उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शेपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टैविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दोपहर एक बजे तक वह जगाती है हैंगओवर मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वे अत्यंत प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि अभी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेवीज़ को बचाने के लिए आग लगा दी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है ब्यूटीफुल डिज़ास्टर फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में एबी अबरनेथी जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र से ही ताश के खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था कॉलेज में खुद को फिर से स्थापित करने की उम्मीद में लास वेगास में अपना घर छोड़ देती है वह अपने पुराने दोस्त मैर के साथ रूममेट्स है जो उसकी पहली रात को उसे एक गुप्त फाइट क्लब में ले जाता है वहाँ एबी और स्टार फाइटर टैविस के बीच तुरंत केमिस्ट्री बन जाती है अगले दिन एबी अपने पहले सेमेस्टर के लिए बर्सर को नकद भुगतान करती है लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि भविष्य का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए मेरे के साथ इसके बारे में बात करते हुए टैविस आता है और उसे परेशान कर देता है फिर गायब हो जाता है टैविस एबी के कक्षा में फिर से आता है और उसे इंस्टाग्राम पर उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है वह उसे बाद में डिनर डेट पर ले जाने पर जोर देता है हालाँकि एबी निर्धारित समय पर उससे मिलती है लेकिन वह निश्चित रूप से गैर सेक्सी तरीके से कपड़े पहनती है उसे भुगतान करने की अनुमति नहीं देती और स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि वे केवल आदर्श मित्र है टैविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है लेकिन वह बात खत्म करने से पहले अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है जब एबी के छात्रावास में पानी की समस्या होती है तो टैविस का चचेरा भाई और मैर का प्रेमी शपली एबी को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है टैविस उसे अपने विशाल बिस्तर पर बैठने के पेशकश करता है लेकिन सुबह में वह गलती से उसे उत्तेजित कर देती है एबी अपने साथी छात्र पार्कर के साथ डिनर डेट पर जाने के बाद उन्हें लड़ाई देखने के लिए जाता है यह टेविस की एक और लड़ाई साबित हुई वह उससे पहले से बात करती है और वह उसके साथ एक शर्त लगाता है जिसे वह जीत जाता है चूंकि उसने प्रतिद्वंदी को छुए बिना मैच जीत लिया एबी को एक महीने के लिए अपने अपार्टमेंट में रहना होगा कुछ हफ्तों में टेविस एबी को उसके पिता और चा और चार भाइयों से मिलने के लिए घर ले जाता है जल्द ही वे पोकर के लिए कार्ड और चिप्स तोड़ देते हैं प्रारंभ में बाहर निकलने का विकल्प चुनने के बाद अतःतः उन्होंने उसे समझौता कर लिया जब वह घर की सफाई करती है तो उसकी वेगास पृष्ठभूमि का पता चलता है कि वह कुख्यात लकी तेरा है अगले दिन वे और भी करीब आते हैं जिसकी परिणति टेविस और एबी के साथ शुरू होने के रूप में होती है घबरा कर वह उसे फर्श पर फेंक देती है और मैर की तलाश करती है एबी का मानना है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन इससे पहले कि वह वा वापस लौटती टेविस टूट जाता है उसे नहीं पता था कि उसे कंप्यूटर पर मिक का संदेश उसके पिता का था जिससे वह वेगा छोड़ने के बाद से बातचीत करने से बचती थी एबी क्रोधित होकर चली जाती है और बाद में पा उसे लाइब्रेरी में सोता हुआ पाता है शैपली द्वारा उसके लिए एपीबी भेजने के बाद वह उसे उसकी आश्चर्यजनक जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है पूरी रात शराब पीते और नाचते हुए टेविस एबी को ढूंढता है उसका शराब पीना बंद कर देता है उसकी देखभाल करता है उन्हें धन्यवाद दो पर एक बजे तक वह जगाती है हैंग मुक्त टेविस द्वारा उसके पूरे शरीर की मालिश करने के बाद वह अत्यात् प्यार करते हैं सुबह अपने छात्रावास में एक कार उसका इंतजार कर रही है क्योंकि उसके पिता पर बैनी का बहुत बड़ा कर्ज है वेगास की ओर जा रही है माना जाता है कि एबी अपने पिता एक लाख डॉलर का कर्ज चुका सकती है वह सफल है और जाने ही वाली थी कि एक सुरक्षा गार्ड जिसके साथ वह बड़ी हुई थी उसे रोकता है वह पैसे जब्त कर लेता है है क्योंकि उसकी उम्र वर्ष से कम है। उसे बताया गया कि उस पर अब भी भी पैसे बकाया है टेविस ने इसे वापस जीतने के लिए एक शौकिया पुरस्कार लड़ाई में भाग लेने की कोशिश की इस बीजेपी को पता चलता है कि यह एक चाल थी मेक की मेक की चाल उसे अपने लिए जुआ दिलाने की थी वह टेजर की मदद से पैसे वापस लेती है फिर लड़ाई रोकने के लिए आगे बढ़ती है ध्यान भटकाने के लिए उसे और हाल ही में आय शैपली के ने ट्रेविस को बचाने के लिए आग लगा थी बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर तो इसे ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज़ कर दी गई है अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है